السلام عليكم يا أهل القبور، كل أخواننا عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بابا رائڈ پہ 40 رائڈرز جا رہے ہیں، سب خیریت سے یہ رائڈ کمپلیٹ ہو جائے، کسی گاڑی کوئی پرابلم نہ کرے. چل پیاری، آج تیری کمپنی کی عزت کا سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. صلی اللہ علی النبی والصلاۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹائم ہو رہا ہے 4:30 اور میں نے ٹرپ زیرو کر دیا ہے. لیٹس سٹارٹ دی جرنی. السلام علیکم اہل القبور، رحمۃ اللہ علیکم. All right guys, trip has started. Alhamdulillah, meetup point पे मिलते हैं और फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से. Meetup time है 5 o'clock. अभी हो रहा है time 4:30 on time. 10 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा, वहीं पर जाके मिलता हूँ. All right guys, BMW के सामने अपने एंटोर खड़ी हुई है. All the riders are lined up guys and we are off to Coorg. Wow, kya scene hai. Early morning 5:30 and we are off to Coorg. First stop is Mysore. Guys, ye meri first long ride start hoti hai right now. Bangalore to Coorg, which is around 250 kilometers from Bangalore. और मेरी टू वे हो जाएगी कम से कम 500 to 600 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली. प्रे फॉर मी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस्ड. रहमान रहीम. टाइम इज एग्जैक्टली 5:50 एंड वी आर ऑफ टू मैसूर और फर्स्ट ब्रेक. अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैंने हिम्मत करी ली. रामनगर के पूरे माउंटेन्स दिख रहे हैं यार, क्या फॉग में डूबा हुआ है. अमेजिंग क्लाइमेट, चेक दिस आउट ब्रो. अभी भी डार्क, लाइट आना बाकी है. ह्यूज माउंटेन, पहुंच गए जी. आई थिंक रामनगर पहुंच गए हम लोग. 6:20 हो रहा है अभी भी, लाइट फुल नहीं हुआ है. एग्जैक्ट 50 किलोमीटर्स मथुर पहुंच गए हम लोग. नॉन स्टॉप 50 किलोमीटर्स, नीचे पैर नहीं रखा भाई. वाह, मैसूर अराउंड 70 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. तो गाइस, तो भाई लोग, मैं इस ट्रिप का आइटनरी आपको बता देता हूँ. आइटनरी कुछ इस प्रकार है. बैंगलोर टू मैसूर, मैसूर टू हंसूर, हंसूर टू नागरहोले. नागरहोले फॉरेस्ट में हम लोग सफारी करेंगे और उसके बाद कल होम स्टे करेंगे वहीं पे. उसके बाद कल सुबह में 3-4 बजे अर्ली मॉर्निंग उठ के ब्रह्मगिरी हिल्स में ट्रैक करेंगे. कम से कम 6-7 किलोमीटर का ट्रैक होगा. तो ये सब मैं अगर एक ही वीडियो में बना दूँ तो 3 घंटे की पिक्चर आराम से बन सकती है. तो वैसा मैं नहीं करना चाहता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता. तो मैं आई एम गोना मेक 3-4 वीडियोस ये पूरी सीरीज़ की. बैंगलोर टू कूर्ग, तीन चार वीडियोज़ में मैं ये पूरा कवर कर दूँगा. क्योंकि लास्ट वीडियो जो है अपना बैंगलोर टू ऑब्जर्वेटरी 30 मिनट्स का मैंने अपलोड कर दिया. तो वो इसलिए कि मेरे को इस ट्रिप में निकलना था, इसलिए मैंने वो पूरा एक ही वीडियो में 30 मिनट्स का कवर कर दिया. तो 10-12 मिनट्स का 2 वीडियो कवर करता हूँ. तो सीन कुछ इस तरह है. बाकी सब बढ़िया है.
ट्रिप इज गोइंग सो फार सो गुड। राइडर्स देख रहे हो ब्लाइंड, तो ये तीन राइडर्स जो देख रहे हैं आप, तीन मार्शल्स जो ग्रीन जैकेट पहने, एक दो और तीन, और एक मेरे पीछे है और एक वन जो लीड कर रहा है। तो गाइस ये स्टार्टिंग से एंड तक राइट पे इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, एग्जैक्ट सेम रहेगी। वो इसलिए कि कोई भी राइडर अपनी लेन चेंज नहीं करेगा, ओवरटेक नहीं करेगा, ये राइड के डिसिप्लिन है। कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकता अपने राइडर्स को, ये फॉलो करना पड़ेगा बैक टू बैक। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है इस वाइट राइडिंग ग्रुप की। तो ये सब मार्शल्स हैं, डिसिप्लिन के साथ ट्रैफिक को, ट्रैफिक रूल्स के साथ, और सिंगल लेन फॉलो करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो सिंगल लेन ही है पूरी यहाँ से वहाँ तक। अभी भी ये रेल लेन ब्रेक नहीं हुई है, 60 किलोमीटर्स हो गया और ये ना ब्रेक होगी पूरे राइड पे। देख लो मॉम, सीन कुछ इस तरह है कि वी आर राइडिंग सेफ। ये सब मार्शल्स है, कौन राइड रैश कर रहा है उसको गांड पे लात मार के भगा देंगे। जस्ट किडिंग गाइस, एकदम प्रीमियम ग्रुप है। सो सीन कुछ इस तरह है, ब्रीफिंग में ही बता दिया कोई भी ओवरटेक नहीं करेगा, सिंगल लेन फॉलो करेगा, और बस मैसूर 60 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। देख रहे हो ये है मार्शल का काम, ट्रैफिक को विदाउट डिस्टर्बिंग एनी ट्रैफिक ये लोग गो ऑन कराते रहते हैं अपने को। सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम है रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। वाओ व्हाट अ ग्रीनरी ब्रो, अमेजिंग। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। 68 किलोमीटर हो गया है नॉन स्टॉप, बैंगलोर से यहाँ तक ज़मीन पे पैर नहीं रखा है। जस्ट इमेजिन गांड की हालत क्या हो रही होगी, बट मज़ा बहुत आ रहा है इसके माँ की आंख। ओह मैन अमेजिंग, हर्रिश निकाम भी जाओ बैंगलोर टू डायरेक्ट मैसूर में ब्रेकफास्ट। आज बैंगलोर मैसूर हाईवे पूरा आज एक्सपीरियंस हो गया, वो भी लास्ट डे, यानी कल से इसका टिकट लगने वाला है। आज फ्री था यार, चलो फ्री में आज हो गया अपना बैंगलोर मैसूर ट्रिप। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। आह व्हाट अ सन ब्रो, व्हाट अ सन। ऐसा हैंड सिग्नल से पूरा सिग्नल देते रहते हैं पीछे वाले को। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मैन, माई फर्स्ट एवर लॉन्गेस्ट राइड इज हैपनिंग राइट नाउ। अगर आपको, आप लोगों को याद होगा, तीन चार वीडियो पहले मैंने कहा था कि धीरे धीरे अपने मैं कैपेसिटी बढ़ाऊंगा, पहले 60, 70, 80, 100, 150 और धीरे धीरे मैसूर जाएंगे। तो फाइनली इट्स हैपनिंग, फाइनली बैंगलोर टू मैसूर, मैसूर से और आगे, अपने तो आज औकात के बाहर चले गया मैं तो भाई, आज औकात के बाहर ड्राइव हो रही है अपनी, बैंगलोर टू कूर्ग डायरेक्ट। वाओ सन इज ऑन माशाल्लाह। गाइस इट्स अ रिकॉर्ड, बैंगलोर टू मैसूर नॉन स्टॉप, नो ट्रैफिक, नथिंग। बैंगलोर में पैर उड़ाया भाई, उनके पैर से गिर गया एंड वी रीच्ड मैसूर। फर्स्ट स्टॉप 120 किलोमीटर नॉन स्टॉप यार, कान पड़ के हाथ में आ गए एंड स्टॉप योर फर्स्ट ब्रेक ब्रेकफास्ट। हालत खराब हो गई यार, लेकिन मज़ा आ गया कसम से यार। भाई साहब राइडर भी तारीफ कर रहे हैं यार, नॉन स्टॉप आई डिड, मज़ा आ गया कसम से। क्या होटल है यार, जबरदस्त होटल है। अच्छी लॉन्ग राइड के बाद एक जबरदस्त ब्रेकफास्ट तो बनता है।
ब्रेकफास्ट में है इडली वड़ा सांभर और भी बुफे है भाई नाश्ता ही क्यों ऑल राइट नाश्ता हो गया नाउ वी आर लीविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अन्नपूर्णेश्वरी समथिंग देखते आगे क्या है सब मार्शल्स ने जो जैकेट पहनी राइडर्स ऑफ बैंगलोर राइडिंग इज लिविंग राइट सबका मोटो है राइडिंग इज लिविंग बहुत ज़बरदस्त नाश्ता था यार एट्रियम बुटीक होटल बुफे था भाई बुफे वॉज एक्सेलेंट आओ यहाँ से ट्रैफिक मिलेगी यार बैंगलोर से यहाँ तक ना एक सिग्नल था ना ट्रैफिक था पैर तक नीचे नहीं रखे भाई साहब 120 किलोमीटर नीचे पैर तक ऐसे नहीं रखा 120 किलोमीटर ऐसे खड़े हो के कमर सीधी कर रहा था मज़ा आ गया यार ये तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा अजीम ने 120 किलोमीटर नीचे पैर बिना रखे बैंगलोर टू मैसूर वाओ इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाएगा मैसूर 7 किलोमीटर टू गो ये आउटस्कर्ट है मैसूर का अभी 7 किलोमीटर और है मैसूर जाने के लिए NH 275 मटकेरी 118 किलोमीटर सही है यार इंशाल्लाह कभी एक ना एक दिन ऊटी को भी लेके जाएंगे इस बाइक को अपनी एंटॉर्क किसी से कम है के इंशाल्लाह ये ट्रिप हो जाए नेक्स्ट ट्रिप ऊटी मारेंगे ये हमारे टेंट्स लग रहे हैं आइस वाटर है यार लेने का स्ट्रगल सी अजीम फोटो फोटो